हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं IGM हॉस्पिटल पे। जैसे ही IGM हॉस्पिटल का नाम आता है, एक लंबी चौड़ी प्रॉब्लम की लिस्ट लोगों के सामने आ जाती है। क्या कि यहां पर ब्लड टेस्ट हो या किसी भी तरीके का टेस्ट हो तो उसके चार्ज लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा दवाइयों में प्रॉब्लम, उसके अलावा ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम, और भी कई सारी सुविधाएं हैं जो यहां पर लोगों की शिकायतें अक्सर यही आती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो आज यहां पर भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख साहब, महाराष्ट्र शासन के डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स, कई लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है। जो 200 बेड का जो एडिशनल का जो यहाँ पर मामला चल रहा है कि 200 बेड यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, उसको लेकर आज यहाँ पर विजिट हुई है। और फाइनली ये सुनने में आया है कि हो सकता है कि अगले एक आध महीने में उसको अप्रूवल मिल जाए और यहाँ पर 200 बेड का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि लोगों को दवाइयों की प्रॉब्लम है और ब्लड टेस्ट करवाते हैं या जो भी टेस्ट करवाते हैं उसका यहाँ पर चार्ज लिया जाता है, तो ऐसा ही एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन हुआ MLA रईस शेख साहब के ज़रिए। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। बाकी जो लोग गड़बड़ कोई भी अंदर आने लगा था, कोई भी नहीं आया। तो भी प्लीज रुको ना, इतना महंगा महंगा तुम लोग रिपोर्ट लिख के दे रहे हो। मुझे तो 400 का कराई बाहर, अगली बार मेरे बेटे को इतनी कर दो, तुम रिपोर्ट दो कराए आज के लिए। रास्ता हमारा रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं। शांति ने पुलिस स्टेशन में बुलाओ, चलो जावेद दुबे। फोटो घ्यायचा, तो कुठे बसलाय साहेबांचा? आता दिसला पण तो तिथे बसला होता। तो आता सध्या कुठे आहे? या बाजूला आहे ना? तुम्हाला दाखवतो ना, तुम्ही प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर असते कोण आहे? स्टाफ आहे, ऑफिशियल। व्हेरी गुड। वन विनोद, त्याच्यावर कारवाई पाहिजेच मला। काय धंदा लावला तुम्ही? कुठे उभा आहे तो? इथे आला। कुठे उभा आहे तो? चुकीच आहे। पुन्हा स्टाफ आहे, काय कारवाई तुम्ही घेणार याच्यावर? आता आज सस्पेंड पाहिजे मला हे। तू प्रवासीस मध्ये आहे, तो लोकांना सांगतो मी करून देतो, त्याच्यावर FIR होला पाहिजे की नाही पाहिजे? शांतीनगर पोलीस स्टेशन को बुला, नोट ले, ये हमारी प्रवासीस के अंदर आके लोगों को
जो है बोल रहा है कि तेरे को टेस्ट करा के देता हूँ इस पे आज के आप छोड़िए ना, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आंसू कराई थी तो मेरे को भी बाहर भेजे थे, मेरे को मेरा काम करने दीजिए। आप चुपचाप बैठिए, आप मेरे को मेरा काम करने दीजिए। नेटवर्क नहीं है, मैं बुला रहा हूँ। आप नोट बनाओ, तुम जब तक एफ आई आर इस पे नहीं होती तब तक इधर ही रहोगे, दो चार दिन को लेके रहोगे। बोले उस पर एफ आई आर होनी चाहिए, ट्रेसपासिंग, इस तरह से लोगों को परेश कराना, जितने सेक्शन लग सकते लगाओ। और इनको क्या कर रहे हो, क्या कार्रवाई करेंगे? फर्स्ट लोग को इश्यू करता हूँ, सीएस को इन्फॉर्म करता हूँ, उसके ऊपर कार्रवाई। मेरे सामने आए, मेरे सामने आए, गवर्नमेंट कितना जोर जोर से चिल्ला के बोलते है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा? उनको समझना चाहिए ना, 1300-1300 रुपए का टेस्ट लेते रहते हैं। इधर इंदिरा गांधी में लोग आते क्यों है? अपनी परेशानी मुसीबत लेके आते हैं ना। किस चीज का टेस्ट है? बुखार एम्बुलेंस बाहर जाओ खड़े रहो 3-3 घंटे एम्बुलेंस के लिए। सबको मदद होगी इससे, ये लोग इधर आके खड़े हैं, इन लोगों को लगता है ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, ये गलत है। ठीक है, जैसे ही ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया उन पर पुलिस कार्रवाई हुई, एफआईआर हुआ है उनके ऊपर। और इसका फॉलोअप समाजवादी पार्टी के जो रईस शेख साहब हैं, एमएलए हैं भिवंडी ईस्ट के, उनकी जो टीम है वो उस पर फॉलोअप लेगी, ऐसा उनका कहना। आईजीएम हॉस्पिटल में जितनी समस्याएं हैं बहुत सारी हैं, तो आज ही हमने एक पेशेंट से मुलाकात की है। देखिए उस पेशेंट ने अपनी क्या प्रॉब्लम बताई, और ये प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई है वो सिर्फ उनके साथ नहीं है, यहाँ पर आने वाले हर एक पेशेंट के साथ ये समस्या होती है। तो आखिर कब तक आईजीएम हॉस्पिटल में ये मामला चलते रहेंगे, कब तक ये हॉस्पिटल लोगों की शिकायतों से मुक्त होगा? मैं रईसा मिराज पठान हूँ, यहाँ पे मैं मेरी बहन को लेके आई थी, और एक लेडी थी उसको टीवी थी, मेरी बहन को ये लोग बेड नहीं चेंज करके दिए, वही बेड पर उसको भी डाल दिए थे। हाँ, लेटा दिए थे, और गए सिस्टर से बोलने तो सिस्टर है ना खूब उल्टी सीधी बात करते हो, बेड चेंज ही नहीं करके देती जो लेडी थी फिर वो। और यहाँ पे जो खून चेकअप होता है ना वो फ्री में होता है ना, पर इन लोग है ना हम लोग से पैसा लेके करवाए 800-1000। हाँ, हम लोग से भी लिया गया है, ये खून चेकअप करवाए थे, हाँ ब्लड टेस्ट का 800 रुपये लिए। हाँ, आए थे रईस एक, उनको बोले कि ऐसा ऐसा होता है, वॉशरूम वशरूम साफ नहीं रहते। ये मतलब ये है कि हमेशा मैं तो 15 दिन से हूँ, क्योंकि मेरे घर के 3 लोग हैं यहाँ पे, और लोग को भी यहीं का था, वो एक गार्ड था वो आया था, हम लोग को बोला, फिर साइड में बोलता है बाहर से करवाना, फिर हम लोग से पैसा लिया और यहीं पे हुआ है वो टेस्ट सब पूरा। वैसे भाई, आज आपने आईजीएम में विजिट किया, तो इस विजिट करने का खास कारण क्या था? देखिए, आईजीएम को इम्प्रूव करने की हमारी कोशिश जारी है, और सबसे बुनियादी काम जो आईजीएम में था कि इस अस्पताल को गवर्नमेंट की नज़र में, गवर्नमेंट के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनसे सर्टिफाई करके लेना था कि ये अस्पताल 200 बेड के काबिल है। सिविल हॉस्पिटल का दर्जा तो दे दिए ठहराव करके, लेकिन जो उसकी प्रोसीजर है, ये ज़मीन अभी भी किसी प्राइवेट बिल्डर के नाम पे थी, वो ज़मीन का TLR करा के आज आर्किटेक्ट को हमने विजिट करा के इस पूरे अस्पताल में आने वाले दिनों में 200 बेड का पूरा कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट चालू करेंगे, उनको सेटिस्फाई किया, उसकी विजिट थी। आर्किटेक्ट, PWD डिप्टी इंजीनियर और CS जिसको कहते हैं, सिविल सर्जन थाना, ये सब लोग आए हुए हैं और ये पूरा प्रोसीजर को कम्प्लीट कर रहे हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद इस अस्पताल को 200 बेड के हिसाब से स्टाफ मिलेगा, 200 बेड के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये जो बुनियादी प्रोसीजर है उसको हमने शुरू किया था, क्योंकि कोविड के दौरान ये काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल था। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, इसका प्रोसीजर चालू हुआ, आज उसका आखिरी हिस्सा था। ये सर्टिफिकेशन होने के बाद जो है नया टेंडर बना के इसको 200 बेड का अस्पताल बनने का प्रोसेस चालू होगा। आज आपने विजिट किया, उसके बाद जो आपको शिकायतें मिली, ठीक है, तो ये इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि स्कैम चल रहा है, तो इसके अनुमति से अभी तक एक लड़का यहाँ पे मिला। मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ खवातीन ने मुझे शिकायत की कि जो सरकारी टेस्ट है वो सरकारी टेस्ट के लिए पैसा लिया जाता है,
दूसरा मैंने क्या देखा कि जो टेक्नीशियन था एक वहाँ पे, उसने मशीन को बंद करके रखा है। और फिर ये होता था कि जैसे पेशेंट है तो पेशेंट को बोलते थे कि ये टेस्ट करा के लाओ, फिर वो टेस्ट कराने के लिए फिर वो पेशेंट को बोलते थे कि 33 नंबर वार्ड में जाओ, वहाँ जाके देखो तो एक आदमी बोलता था जाके उस लड़के से मिलो। तो पूरा रैकेट चल रहा था। तो सबको हमने वही स्टिंग करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग, वो लड़का, वो स्टाफ, वो सब लोगों को पकड़ के। अब जो लेडीज़ लोग हैं उनका स्टेटमेंट चालू है, पुलिस की FIR का प्रोसेस चालू है, तकरारदार हम लोग हैं और प्रशासन भी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो रैकेट जो चल रहा था, जो पैथोलॉजी के लैब के नाम पे पैसे भी ले रहे थे, मशीन को बंद रख रहे थे ताकि लोगों को बाहर जाना पड़े, और फिर एक लड़का खड़ा रहता था कि माँ जी मैं कर देता हूँ, जो चीज़ यहाँ पे 240 रुपये पे होती है उसका 1090 रुपये ले रहे थे। तो ये पूरा रैकेट उसे कबूल भी कर लिया है कि हाँ मैं कर रहा था। अब ये है कि उसमें ऑफिसर लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे, वो चीज़ों की तहकीकात पुलिस करेगी। पहली बार ये सारे चीज़ों को लेके करप्शन की FIR होने जा रही है। इस तरह की कार्रवाई अब मैं करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि भिवंडी की आवाम परेशान है, हर जगह आप देखो दलाल घूम रहे, तो इन दलालों पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। आज हमने यहाँ पर राउंड लेके, अच्छा इत्तेफाक से सिविल सर्जन भी थे, इत्तेफाक से सारे लोग थे, पुलिस को भी इमीडिएटली बुला के प्रोसेस चालू करा। सूरज भाई ये स्कैम बहुत पहले से चल रहा होगा, चल ही रहा होगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए काम पुलिस का है, मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। लड़के ने सबके सामने कबूल किया और बचाने की कोशिश कर रहा है वो लैब को, ऑफिसर को, कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं ही पैसा लेता था। जब पुलिस बात करेगी, FIR होगी, तो चीज़ें सामने आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमने स्टिंग करके वो जो पूरा रैकेट है कहाँ से कैसे जाते हैं, कैसे भेजा जाता है, वो सब कंट्रोल में लिया है। वैसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आने वाली है। एक चीज़ यहाँ पर ये देखने में थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी है। देखा ही जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों के साथ, पेशेंट के साथ वो नीचे ही बैठे होते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए मैं यहाँ पर, मेरा जो विजन है कि आप जिस इमारत में खड़े हैं वहाँ पर हम 20 करोड़ रुपये का टेंडर बना रहे हैं। अर्जन थी कि 200 बेड है कि नहीं है वो सर्टिफाई करना था। उसके बाद जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे जो पूरी ज़मीन है जिसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे हमने मदर एंड चाइल्ड केयर का अप्रूवल लेके 59 करोड़ ला के रखा है। लेकिन अभी ये है कि ये स्ट्रक्चर्स हटा के कॉरपोरेशन को देना है, पर कॉरपोरेशन इतना कोऑपरेट नहीं करती, आपको पता है। तो नई काउंसिल जब आएगी, जो ठहराव होगा कि हाँ भाई आप इन चीज़ों को शिफ्ट करके यहाँ पे अस्पताल बनाइए, तो ये फेज़ 1 हो जाएगा, वो फेज़ 2 हो जाएगा। तो भिवंडी में ऐसा करके मेरा अंदाज़ है कि 400-450 बेड हो जाएंगे, जिसमें से 200 मटर्निटी के लिए रहेंगे। तो ऐसा पूरा हमारा एक विज़न है जिस पर हम काम कर रहे हैं। वक्त लग रहा है, लोग ट्रेन नहीं हैं, भिवंडी के ताल्लुक से लोगों का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अब बदल रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी जो ज़रूरत है उस पे काम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम करने वाले नीचे के अधिकारी होते हैं। पर आज जिस तरह से हमने राउंड्स लिया, मैं तो लेता ही रहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा विज़न है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल जल्द से जल्द होगा। भाई आप शांतिनगर स्कूल का विजिट करने वाले थे, वो करोगे या? शांतिनगर स्कूल का ऐसा हो गया कि ये FIR की वजह से अभी 3 बज गया है, वो विजिट 1 बजे की थी और मैं ट्रैफिक में भी था। शांतिनगर स्कूल के हालात बहुत ख़राब है, पर मुझे ऐसा पता चला है कि आज मेरी विजिट थी करके कमिश्नर खुद चले गए, और जो DMC है वो अभी भी ट्रैफिक में है। मैं आनंद फानंद में नहीं विजिट करना चाहता हूँ, मैं थर्सडे को फिर शांतिनगर स्कूल जाऊँगा। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला मेरी DCM साहब से और CM साहब से बात हुई है। लोग सड़कों के लिए पैसा मांगते हैं, मैं मांगता हूँ, लोग अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा मांगते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे प्रायोरिटी में भिवंडी के 14 स्कूलों के लिए, 14 भी नहीं 16 स्कूलों के लिए 30 करोड़ रुपये आप दीजिए, ताकि सभी स्कूल को हम रिपेयर कर सकें। सभी स्कूलों में बेंचेस, जो फर्नीचर लगता है, जो बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए ज़रूरी होता है, वो पैसा दीजिए। संडे को 1 बजे DCM साहब ने भी टाइम दिया था, आधा घंटे भी भिवंडी के तालीमी जो परेशानियां हैं उस पर उन्होंने बात की और मुझे अश्योर किया कि 30 करोड़ रुपया सरकार देगी। अल्हम्दुलिल्लाह शिंदे साहब से भी जब मैं मिला तो उन्होंने बोला नहीं तू एजुकेशन के लिए मांग रहा है, सबसे पहले हम फंड देंगे। तो ये चीज़ अमल में लाने के लिए अभी कॉरपोरेशन काम कर रही है। एक शांतिनगर ही नहीं, जितनी स्कूलें मेरे अंडर में आती है, इंशाल्लाह एक एक करके थर्सडे से मैं विज़िट करूँगा। विज़िट करके खाली विज़िट नहीं करना है, उस मैं तो चिल्ला रहा हूँ कि उस स्कूल का अच्छा एस्टीमेट बनाओ। कॉरपोरेशन के पास स्टाफ नहीं है कि वो एस्टीमेट बनाए, ना ही विजन है ना स्टाफ है, लेकिन ये एक एक स्कूल का बजट बना के सरकार पे पास जाके तालीम के लिए, शिक्षा के लिए 28,000 हमारे गरीब बच्चे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पढ़ते हैं, उन सबको अपनी औलादों की तरह समझ के
एक अच्छी तालीम का निज़ाम हम बनाएंगे। एक तो शांतिनगर स्कूल को रिपेयर करने की ज़रूरत है और दूसरा अपनी वहाँ पे लोग ना अवैध कब्जा कर रहे हैं स्कूलों का और उनके आस पास के इलाकों के जो लोग हैं वो कुछ बोल रहे हैं। अगर मुझे विजिट में अवैध कब्जा ज़रा भी दिखा तो वो अधिकारी और वो लोगों की खैर नहीं, स्कूल की एक इंच की जगह रही शेख जब तक है भिवंडी में हम कब्जा होने नहीं देंगे। ये जो आज प्रॉब्लम सामने आया है कि जो लैब में टेस्टिंग के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं उसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं कि पेशेंट को दवाइयाँ टाइम पर नहीं मिलती हैं, तो इन सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जब से 2.5 साल हुए तीसरे सुपरिटेंडेंट है, 2 को हम सस्पेंड कर चुके हैं, अभी एक मेडिकल ऑफिसर को भी सस्पेंड किए। मेरे को ऐसा लगता है भिवंडी के अंदर IGM में एक कल्चर चलता है कि यहाँ आके पैसे कमाओ, तो ये अभी एक मैसेज जाएगा आज FIR होने से कि दूसरे डिपार्टमेंट में जो लोग भी कर रहे हैं उनको आज मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो सिर्फ नोटिस नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं, तुम जेल भी जा सकते हो, तो ये एक मैसेज है। दूसरा, आज मैं आता हूँ तो बहुत भीड़ लग जाती है, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब रईस शेख IGM आए या स्कूल आए अल्लाह के वास्ते मुझे विजिट करने दीजिए, काम करने दीजिए, तो मैं अकेले कोशिश करूँगा ऐसे वक्त आऊँ या ऐसे तरीके से आऊँ कि मैं भीड़ ना लगे। मैं अभी मेरे जहन में वही बात चल रही थी कि जब सुबह 9 बजे अस्पताल शुरू होता है तब मैं आऊँ, मैं विजिट करता रहूँगा, ऐसी चीज़ों को सॉल्व करता रहूँगा। बदलाव किसी एक आदमी पे एक्शन करने से नहीं आता, पहले ज़हनियत बदलती है, ज़हनियत जब बदलती है मकसद बदलता है तो बदलाव आपको आप सालों तक आता है, उसका असर सालों तक रहता है। हमारी कोशिश है कि लोगों की ज़हनियत बदले, लोगों का नज़रिया बदले और मकसद बदले। मकसद खिदमत बन जाएगा तो पॉलिटिशियन हो या कर्मचारी हो या अधिकारी हो या डॉक्टर अच्छे से काम करेगा। खाली आपकी जिम्मेदारी IGM है या फिर दूसरे आपका, वो ना कभी विजिट करते ना, कभी महेश जी भी आते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी अपनी कोशिश करते रहते हैं, मैंने उनको देखा है फील्ड में, उनकी भी काम करने की कोशिश हमेशा रहती है। मैं दूसरों पे टिप्पणी करने से अच्छा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ IGM की मेरी भी है, उनकी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खिदमत का सबसे बड़ा ज़रिया है, जितना हम करेंगे अल्लाह हमको और देगा। क्या लगता है कब तक अप्रूवल मिलेगा? अप्रूवल तो हो गया आज, जो आपको पता नहीं समझा नहीं पा रहा हूँ, 200 बेड का अप्रूवल मिला, लेकिन प्लान में चेंजेस गवर्नमेंट के हिसाब से हुए। इन्होंने 15 दिन का शेड्यूल बनाया, मेरे बम्बई की ऑफिस में जाता रहूँगा इसलिए मैं बम्बई में इनकी ऑफिस 3-4 बार जाता हूँ महीने में। मुझे ऐसा लगता है महीने भर में हमारे हाथ में एक कागज़ होगा जो कहेगा कि हाँ ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसके 200 बेड का ये प्लान है जो 2007 में नहीं हुआ वो 2022 में होने जा रहा है।